हेलो फ्रेंड्स, आपका मैं एक न्यू चैप्टर आज मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, वो है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स आपका 11th का चैप्टर है, बट वो नीट की एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नीट में एक थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। ठीक है, ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स आपको एक्सप्लेन मीन्स के समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आपको सभी आपका जो मेन थियोरी है वो आपको एक माइंड में उतर जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर दें भाई थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है कि भाई हमारा जो फर्स्ट वर्ड है चैप्टर का दिया हुआ थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स का मीनिंग क्या होता है आप जानते हो। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स तो मीन्स के थर्मो मीन्स के होती है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी हम किसको बोलेंगे कि भाई आपके पास सभी सारे जो ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट को मीन्स के हीटअप करोगे, एक मीन्स के उसको कोई गर्म करोगे, कोई भी एक फिनोमिना से आप गर्म उसको कर सकते हो। ठीक है, आप कोई भी फिनोमिना से उसको गर्म करोगे तो उसमें एक थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम बोलते हैं भाई थर्मल एनर्जी। ओके, देन आप डायनेमिक्स का क्या मीनिंग होता है, डायनेमिक्स मीन्स के चलना। कोई भी आप ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को मूवमेंट करने के लिए आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसको आप मूवमेंट करना चाहते हो, उसको आप मोशन में लाना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली उस पर क्या करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे, और फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स की डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट करता है। फोर्स की डायरेक्शन में वो जब डिस्प्लेसमेंट करता है तो उसको बोलते हैं भाई वर्क डन। कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप उस पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, तो इसके तो उसको वर्क किया और एक ऑब्जेक्ट एक मोशन में आने लगा, इसके वो ट्रैवलिंग करने लगा और उसके पास एक इसके वेलोसिटी भी आने लगी। ठीक है, तो आप वो उस पर एक मैकेनिकली वर्क कर रहे हो, तो आपकी जो काइनेटिक आपकी जो एक थर्मल एनर्जी है, ये थर्मल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है। आप एनर्जी क्रिएट और डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक कंजर्वेशन ऑफ लॉ है एनर्जी का, उसके रिगार्डिंग आप उसकी आप एनर्जी को क्रिएटेड एंड डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ओनली फॉर आप ट्रांसफर कर सकते हो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आपको यहाँ पे एक आपके पास एक थर्मल एनर्जी अवेलेबल है, वो थर्मल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है एक मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इस वर्ड को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या रहा है थर्मोडायनेमिक्स से क्या मीनिंग होता है कि भाई एक हीट एनर्जी का जो आपके पास एक थर्मल एनर्जी अवेलेबल है, वो थर्मल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है एक मैकेनिकल एनर्जी में। तो पहले तो मैं थोड़ी आपको एक जनरल नॉलेज देना चाहता हूँ कि भाई व्हाट इज़ अबाउट ऑफ हीट, कि भाई हीट हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ हीट। तो हीट इज़ द वन टाइप ऑफ एनर्जी, हीट इज़ द वन टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, तो किस में हीट ज़्यादा है और किस में हीट कम है वो आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे, उसका टेम्परेचर मेजरमेंट करके, कि भाई जिसका टेम्परेचर राइज उसके पास हीट मैक्सिमम है। ओके, तो हीट कब ट्रैवलिंग करती है और कब ट्रैवलिंग नहीं करती है, दूसरा क्वेश्चन। तो आप जब भी आपके पास मीन्स के कोई एक हाई हीटअप वाला मीन्स के हाई का हाई टेम्परेचर वाला आपके पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसको आप सराउंडिंग में रखोगे तो ऑब्जेक्ट में से हीट ट्रैवल होकर के सराउंडिंग में जाती है। अगर आपके पास कोई एक आइस क्यूब अवेलेबल है, आइस क्यूब का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री से भी कम होता है, एटमोस्फेरिक का टेम्परेचर होता है 27 डिग्री का, तो 25 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 25 सेंटीग्रेड में से हीट आएगी और आइस ट्यूब में जाएगी और आइस ट्यूब को मेल्ट करती है, आइस ट्यूब को क्या करती है, मेल्ट करती है। ठीक है, और वो एक वाटर में कन्वर्ट कर देगी। ख्याल आया आपको? ओके, तो आपका जो टेम्परेचर था मीन्स के आप एक हीट हीट एक टेम्परेचर पर डिपेंड है और एक ट्रैवलिंग करती है हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कोई भी का हाई टेम्परेचर हो और कोई भी का लो टेम्परेचर हो, इसके रिस्पेक्ट में वो वर्क करती है, इसके रिस्पेक्ट में वो ट्रैवलिंग करती है। कदक वो सराउंड में भी जा सकती है, कदक सराउंड में से आ भी सकती है। आपके पास आइस ट्यूब होगा तो सराउंड में से आएगी, और आपके पास कोई एक हाई हीटअप वाला कोई एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है जिसके आपके पास एक गर्म जगह के कप अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें से हीट ट्रैवल करती है एटमोसफियर में जाएगी, ऐसे वो ट्रैवलिंग करती है। पर आपको याद क्या रखना है कि भाई हीट ट्रैवलिंग करेगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं बातचीत कर रहा था कि भाई थर्मोडायनेमिक्स, तो थर्मोडायनेमिक्स में से हीट वर्ड आपका आया कि हीट किसको बोलते हैं, तो आपको अभी मालूम पड़ा कि भाई हीट इज़ द वन टाइप ऑफ एनर्जी। और हीट का आपकी जो हीट एनर्जी है वो भी बहुत सारे टाइप्स की होती है। ठीक है, वो सभी सारा टाइप्स के बारे में आपको एक वर्ड की मैं डेफिनेशन देना चाहता हूँ, क्योंकि वही आपको याद होगी तो भी आपको ये चैप्टर में आपको आगे मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो आप आते हैं कि भाई हीट कैपेसिटी हम किसको बोलते हैं, हीट कैपेसिटी का क्या मीनिंग हुआ कि भाई हीट का तो मीनिंग होता है कि भाई एनर्जी। ठीक है, तो हीट की कैपेसिटी,
ओके, तो आपके पास एक थ्री ऑब्जेक्ट अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के, आपके पास थ्री ऑब्जेक्ट अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के अवेलेबल है, और तीनों तीन का मास भी डिफरेंट डिफरेंट है, तीनों तीन का मास भी डिफरेंट डिफरेंट है। आपको क्या करना है, और तीनों तीन का जो हाल जो टेम्परेचर हुआ है उसका टेम्परेचर होगा, आपने एटमोसफियर में रखा हुआ होगा तो उसका टेम्परेचर होगा 25 डिग्री। और तीनों तीन ऑब्जेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट मास का बना हुआ है, और डिफरेंट डिफरेंट उसका मास है और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो जो तीनों तीन ऑब्जेक्ट है वो तीनों तीन ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री राइज करना है। 1 डिग्री राइज करने के लिए आप कितनी हीट सप्लाई करोगे, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने के लिए आप जितनी हीट सप्लाई उसको करोगे, वो हीट को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। चलाए आपको, तो तीनों तीन के लिए डिफरेंट डिफरेंट आएगी, उसको हम सिंपल बोल सकते हैं भाई हीट कैपेसिटी। देन आप आपका सेकंड डेफिनेशन आपको स्टडी करना है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट हम किसको बोलते हैं, तो स्पेसिफिक हीट के लिए आपको क्या करना था कि पहले वाली हीट कैपेसिटर में आपने थ्री डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट लिया था, वो तीनों का मास भी डिफरेंट डिफरेंट था। अभी भी आपको यहाँ पे थ्री ऑब्जेक्ट लेना है, पर तीनों का मास आपको सेम रखना है, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम एंड 1 किलोग्राम, तीनों का मास आपने क्या कर दिया सेम। ओके, तीनों का मास सेम कर दिया, बट तीनों तीन जो चीज वस्तु आपने ली हुई है वो एक डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है, कोई एक एल्यूमिनियम से बनी हुई है, कोई एक कॉपर में से बनी हुई है, कोई एक आयरन पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है। पर तीनों तीन का मास आपने क्या कर दिया सेम। देन आपको क्या करना है कि भाई तीनों तीन जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसका टेम्परेचर आपको राइज करना है, कितना राइज करना है 1 डिग्री। कितना राइज करोगे 1 डिग्री। ओके, 1 डिग्री राइज करने के लिए आप जितनी भी हीट उसको सप्लाई करोगे वो हीट को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट का जो इंडिकेट होता है वो होता है एक सिंपल एस, ठीक है। ओके, तो आपने एक स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर लिया। ओके, देन आप हम देखते हैं कि भाई उसका इक्वेशन कैसे आता है, उसकी आपको एक क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, तब कैसे निकालोगे, उसका इक्वेशन कैसे आता है। तो पहले तो मैं आपको मैं इक्वेशन बता देता हूँ कि भाई उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इक्वेशन होता है वो होता है कि भाई क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, क्या क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ओके, तो एस क्या है कि भाई आपकी एक स्पेसिफिक हीट है, एम क्या है कि भाई मास है, डेल्टा टी क्या है वो टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो आपने एक ऑब्जेक्ट लिया और एक ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम, आपने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, वो ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम। ओके, तो उसका टेम्परेचर भी राइज करना है 1 डिग्री, तो आपको कितनी हीट देनी चाहिए एस जितनी, कितनी हीट आप दोगे एस। देन आपने क्या किया कि भाई वही ऑब्जेक्ट रखा पर आपने 2 किलोग्राम का लिया, अगर 2 किलोग्राम का लोगे तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी है 2s। वही आपने ऑब्जेक्ट रखा और आपने मास लिया 3 किलोग्राम, अगर आपने 3 किलोग्राम लिया है तो उसको आप कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी 3s जितनी। अगर आपने ऑब्जेक्ट का मास लिया m, आपने ऑब्जेक्ट का मास लिया m, तो आपने अभी आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी m इंटू एस। चला है, देन आप टेम्परेचर राइज कर रहे थे 1 डिग्री राइज कर रहे तो उसकी स्पेसिफिक होती है हीट होती है एस, पर आप 2 डिग्री राइज करोगे तो 2s, और 3 डिग्री राइज करोगे तो 3s, और सपोज कि आपने डेल्टा टी मीन्स के कोई भी एक टेम्परेचर आपने यूज कर लिया, वो टेम्परेचर जितने आप राइज करोगे तो आप वहाँ पे लिखोगे डेल्टा टी। तो आपकी जो स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन बना क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, वो कैसे है वो मालूम पड़ा, ठीक है। ओके, तो आप कोई भी एक चीज वस्तु है उसका आपको मास कंसिडर करना है 1 और टेम्परेचर राइज करना है 1 डिग्री, ठीक है। क्या तो उसके लिए जितनी भी हीट की रिक्वायरमेंट है उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। देन आफ्टर है मोलार स्पेसिफिक हीट। मोलार स्पेसिफिक हीट पहले हमने देखी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में कोई भी मास एलिमेंट लेना है, कोई भी क्वांटिटी आपको लेनी है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट में हमने क्या कर दिया कि भाई आपको मास सेम लेना है। देन आफ्टर मोलार स्पेसिफिक हीट, तो मोलार स्पेसिफिक हीट वो वर्ड में ही आपको खबर पड़ेगी भाई मोलार। मोलार मीन्स के आपको एक नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स आपको सेम लेने हैं। एवोगैड्रो नाम का साइंटिस्ट ने बताया था कि भाई 1 मोलर आप सब्सटेंस लेते हो तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल होती है 6.023 × 10⁻³। तो आपने 3 टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट कंसीडर कर लिए, हाइड्रोजन का कंसीडर कर लिया, हाइड्रोजन में एटम्स की इक्वलिटी सेम मीन्स के 1 मोल हाइड्रोजन, देन आपने 1 मोल हीलियम, देन आपने 1 मोल ऑक्सीजन, सभी का आपने मास देखा कि भाई सभी का मास डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट इसमें सभी में सेम कौन सी चीज है एवोगैड्रो नंबर, मैं इसके सभी का मोलारिटी सभी की सेम है, ठीक है। ओके, तो मोलारिटी सभी की सेम है
देना, पर उसको आप क्या करोगे भाई, उसका टेम्परेचर राइज करना कितना डिग्री, 1 डिग्री। अगर टेम्परेचर राइज 1 डिग्री करने में जितनी भी आप हीट सप्लाई उसको करोगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट। ओके, मोलार स्पेसिफिक हीट का 2 टाइप्स है, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर पे और कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। कॉन्स्टेंट प्रेशर पे हम बोलेंगे सीपी, आपने कभी सीपी देखा होगा, सीपी। एंड देन आफ्टर एक वॉल्यूम, एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैपेसिटी, तो वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम कैपेसिटी को हम बोलते हैं सीवी। ठीक है, तो सीपी क्या होती है भाई, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। एंड देन आफ्टर सीवी क्या होती है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर हमको कहाँ पर मिलेगा भाई, एटमोसफियर में। एटमोसफियर का प्रेशर होता है 1 एटमोसफेरिक प्रेशर। ठीक है, आप एटमोसफियर में कोई एक ऑब्जेक्ट को हीट दे रहे हो तो वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट प्रेशर रहेगा, बट उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को राइज करते जाओगे तो वैसे वैसे उसका वॉल्यूम भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। ठीक है, देन आप पर आपको सेकंड स्टडी करना कि भाई कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आप कैसे फाइंड आउट करोगे, लाइक प्रेशर कुकर आपके पास अवेलेबल है, और प्रेशर कुकर की इनसाइड आपने कोई एक वाटर रखा है और वाटर को आप हीट कर रहे हो, बट उसका वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट हो रहा है, बट उसका क्या चेंज होगा, प्रेशर चलाया, टेम्परेचर राइज होने से उसका चेंज होने वाला है प्रेशर। आपने कॉन्स्टेंट प्रेशर रखा तब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता था, देन आप अपने वॉल्यूम को फिक्स रख दिया, देन आप अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो तो आपकी एक क्वांटिटी चेंज हो रही है, वो हो रही है प्रेशर। ठीक है, ओके, वो आप बेसिक आपकी जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। पहले तो हीट कैपेसिटी के बारे में बताया, देन आफ्टर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसको बोलते हैं उसके बारे में मैंने आपकी बातचीत की, देन आफ्टर मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट का 2 टाइप्स होते हैं, सीपी एंड सीबी। उसका भी इक्वेशन कैसे आप निकालोगे, सिमिलरिटी है, ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू आपने पहला एमएस डेल्टा टी लिखा था, यहाँ पे सीपी और सीबी आ जाएगा स्पेसिफिक हीट के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके, पर यहाँ पे मास की क्वांटिटी नहीं आएगी, बट क्या आने वाली है, एक मोलारिटी की क्वांटिटी आने वाली है। ठीक है, जो सभी में सारी जो बातचीत की ना वो एक हीट के रिस्पेक्ट में की, अब हम करते भाई थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स का आपको मीनिंग मालूम पड़ा कि भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, का आपके पास एक थर्मल एनर्जी है, इसको आप कन्वर्ट करोगे एक मैकेनिकली एनर्जी में, और उसका इन्वर्स भी होता है, मैकेनिकली एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। वो तो बहुत सारे केसेस आपको एग्जांपल आपको देखेंगे। ठीक है, आपका फैन चल रहा है, तो आप थोड़ी देर के बाद आप उसको देखेंगे तो वो एक हीटअप होने लगता है। वैसे ही आपकी एक वाटर की, आप एक वाटर पंप चल रहा है, वाटर पंप एक चल रहा है, एक मैकेनिकली डिवाइस है। ठीक है, वो एक चलता है तो आप उसको देखेंगे कि भाई थोड़ी देर के बाद वो एक हीटअप होने लगती है। ठीक है, वो सभी सारे जो केसेस है, वो सभी सारे केसेस आप किस फिनोमेना में ले सकते हो, एक मैकेनिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। बट आपको देखना है कि भाई थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकली एनर्जी। ठीक है, थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकली एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं हीट इंजन। तो आपको इस चैप्टर में एक हीट इंजन के बारे में भी स्टडी करना है। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपकी एक सिस्टम है, एक थर्मोडायनेमिकली सिस्टम। हम एक थर्मोडायनेमिकली सिस्टम किसको बोलते हैं, तो आपके पास एक कोई एक कलेक्शन अवेलेबल है, कोई किसी वस्तु का कोई एक कलेक्शन अवेलेबल है, तो उसके पास प्रेशर भी होता है, उसके पास वॉल्यूम भी अवेलेबल है, उसके पास टेम्परेचर भी अवेलेबल है। ये तीनों तीन पैरामीटर एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे के साथ वो एक रिलेटेड होती है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देन आपके पास एक दूसरी भी एक डिवाइस अवेलेबल है, उसके पास भी एक अलग सा एक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और तीनों तीन उसके पास साथ एक रिलेटेड होती है। तो आप जो दो आपकी एक फिनोमिना बना, एक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज डिफरेंट। तो ऐसा जो आपका कलेक्शन बना हुआ है, वो कलेक्शन को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकली सिस्टम। ठीक है, उसकी कंपेरिजन आप दूसरे एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम से कर रहे हो, एक कोई एक सराउंडिंग से कर रहे हो, तो वो जो आपकी जो क्वांटिटी होती है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वो एक डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपका एक प्रेशर कुकर है, ठीक है, तो प्रेशर कुकर के इनसाइड आपने एक वाटर फिलअप किया है, और वाटर को आप हीट कर रहे हो, वाटर को आप गर्म कर रहे हो। ठीक है, तो आप उसको कोई एनर्जी दोगे, वो एनर्जी होती है एक हीट। ठीक है, वो एनर्जी होती है एक हीट। ओके, तो आप उसको एनर्जी दोगे और प्रेशर कुकर की इनसाइड उसका टेम्परेचर राइज होने लगेगा। टेम्परेचर राइज हुआ और वॉल्यूम आपका कॉन्स्टेंट है, तो दूसरी कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी, प्रेशर। ठीक है, तो वो एक क्या बना हुआ है, एक थर्मोडायनेमिकली सिस्टम। उसकी अराउंड क्या है, एटमोसफियर। उसकी अराउंड क्या है, एटमोसफियर। तो उसका भी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट। ठीक है, वैसे ही आपकी आपकी कार का एक इंजन,
ठीक है। तो इंजन के इनसाइड प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, तो थर्मोडाइनेमिकली सिस्टम। खैर है, तो थर्मोडाइनेमिकली सिस्टम का पैरामीटर नेक्स्ट आपको देखना है कि थर्मोडाइनेमिकली सिस्टम का पैरामीटर तो क्या क्या होता है, कि भाई कौन कौन सी वैल्यू आप मेजरमेंट कर सकते हो और कौन कौन सी वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। एक तो प्रेशर, देन आप वॉल्यूम, देन आप टेम्परेचर, देन आप आपकी हीट, ठीक है, हीट कंटेंट्स, वो सभी सारे आप पैरामीटर मीन्स के, और इंटरनल एनर्जी, वो सभी सारे पैरामीटर आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के पैरामीटर। ओके, देन आप हमको बातचीत करनी है कि भाई हमारे जो आपकी जो सिस्टम होती है थर्मोडायनेमिकल जो सिस्टम होती है वो एक टू टाइप्स की होती है, एक क्लोज सिस्टम, एक वन इज अ ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम इट इज़ अ आइसोथर्मल प्रोसेस, एक क्लोज सिस्टम होती है एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है। क्लोज सिस्टम हम किसको बोलते हैं, कि आपके पास ऐसा कोई एक प्रेशर कुकर अवेलेबल है और प्रेशर कुकर को आप हीट कर रहे हो, तो इनसाइड उसका टेम्परेचर राइज हुआ सो दैट एक हीट एनर्जी उसकी राइज हुई, तो वो हीट एनर्जी ट्रैवल करके एक एटमोसफियर में चली जाती है, तो हम उसको क्लोज सिस्टम नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो मीन्स के उसकी हीट ट्रांसफर होकर एटमोसफियर में चली गई। तो आपको कोई ऐसा उसके अराउंड कोई एक कंटेंट लगाना है कि भाई उसकी हीट भी ट्रांसफ़र ना हो पाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि क्लोज सिस्टम। देन आप ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं, कि भाई आपने एक प्रेशर को इंक्रीज किया तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, एटमोसफियर में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं वही ओपन सिस्टम। ओके, देन आफ्टर आपके एक सराउंडिंग होता है और एक थर्मोडाइनेमिकली सिस्टम होता है, और सराउंडिंग किसको बोलते हैं और थर्मोडाइनेमिकली सिस्टम किसको बोलते हैं, वो आपको मालूम पड़ा कि आपका एक प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर का इनसाइड का मॉलिक्यूल उसका प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है, और आउटसाइड एटमोसफियर है वो भी एक मॉलिक्यूल उसकी अराउंड भी रहेगा, ठीक है, उसकी नेबर मॉलिक्यूल्स हम इसको बोलेंगे, तो नेबरिंग जो मॉलिक्यूल्स के पास प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग, और उसको हम बोलेंगे थर्मोडाइनेमिकली सिस्टम। उसके मीन्स के जो ये दोनों हमारा जो मीडियम अवेलेबल है, सराउंडिंग एंड थर्मोडाइनेमिकली सिस्टम, तो उसके बीच में एक दीवार होती है, ठीक है, वो दीवार का टू टाइप्स है, ये दीवार का आपका टू टाइप्स है, एक डायथर्मिक वॉल्स एंड एडियाबेटिक वॉल, उसको हम बोलेंगे वॉल, एक डायथर्मिक वॉल होती है और देन आप एक एडियाबेटिक वॉल होती है, तो वो दोनों का बारे में आपको देखना है कि भाई डायथर्मिक हम किसको बोलेंगे और एडियाबेटिक किसको बोलेंगे, ठीक है। तो डायथर्मिक का क्या मीनिंग होता है, कि भाई इट इज़ द अलाउ टू हीट इज पासिंग थ्रू, वो एक हीट को पास आउट करने के लिए मीन्स के डायथर्मिक आपकी जो होल बनी हुई है, ठीक है, तो वो एक मीन्स के उसमें से आपकी हीट ट्रांसफर हो सकती है, इसमें से आपकी हीट ट्रांसफर हो सकती है, और एडियाबेटिक वॉल बनी हुई है तो उसमें से आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। मीन्स के आपके पास एक प्रेशर कुकर है, तो प्रेशर कुकर के इन साइड आपने वाटर रखा और उसको आपने हीट किया, देन आप क्या करो कि भाई एटमोसफियर में आपने छोड़ दिया उसको, एटमोसफियर में छोड़ दिया, देन आप 1 आवर के बाद आप देखोगे तो वो मीन्स के आपका जो हीट एनर्जी थी, तो हीट एनर्जी उसकी एटमोसफियर जैसी हो गई, क्योंकि इसमें से हीट एनर्जी ट्रैवल होकर एटमोसफियर में चली गई, तो दोनों का टेम्परेचर सेम ही हो गया, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है, क्योंकि उसकी जो होल बनी हुई होती है वो होल एक एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है, और एल्यूमिनियम है एक गुड कंडक्टर है, थर्मल एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एल्यूमिनियम एक गुड कंडक्टर बना हुआ है। अगर आप उसके अराउंड को एक दूसरा मटेरियल लगा देते हो, एक फ्लैट लगा देते हो, कोई भी एक दूसरा मटेरियल आप लगा देते हो, तो वहाँ से हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर मीन्स के इनसाइड से आउटसाइड मीन्स के आपका प्रेशर कुकर में से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर नहीं होगी, तो उसकी जो दीवार होती है, उसकी जो वॉल होती है, हम उसको बोलेंगे एडियाबेटिक वॉल। तो एडियाबेटिक वॉल इट इज़ नॉट अलाउ टू द पासिंग थ्रू द हीट एनर्जी, और वो अलाउ करती है कि भाई हीट एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए वो अलाउ करती है, उसको हम बोलेंगे डायथर्मिक वॉल, पर हम उसको बोलेंगे एडियाबेटिक वॉल, ठीक है। देन आपको देखना है कि भाई इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट, स्टेट का क्या मीनिंग होता है, फेज, स्टेट का क्या मीनिंग होता है, फेज, कहलाया। आपको पता है ना कि भाई आपकी जो सिस्टम होती है वो सिस्टम का फेज चेंज होता है, 0 डिग्री पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे एक क्यूब भी हो सकता है, मीन्स के 0 डिग्री सेल्सियस पे एक सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है। मैं आइस के बारे में बातचीत कर रहा हूँ कि भाई आपका जो आइस है वो 0 डिग्री पे एक सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर उसका टेम्परेचर आप राइज करते हो,
तो लिक्विड बन ही जाएगा, 0 डिग्री के ऊपर जाएगा तो उसका मिस्टर फेज चेंज हो जाएगा। तो उसका क्या हुआ, स्टेट चेंज हुआ। आपने क्या चेंज किया, टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर चेंज किया तो उसका फेज चेंज हुआ। देन आप 100 डिग्री सेल्सियस उसने आपने मिस्टर हीट एनर्जी कंटिन्यू से आपने सप्लाई की। आपने थर्मोमीटर लगाया हुआ है तो थर्मोमीटर में आप रीडिंग देख रहे हो कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका वापस स्टेट चेंज होने वाला है, ठीक है। तो लिक्विड में से स्टीम में कन्वर्ट होगा, ओके। तो 100 डिग्री सेल्सियस को आप कौन सा नाम दोगे कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम भी प्रेजेंट है और लिक्विड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे दोनों स्टेट प्रेजेंट है, ख्याल आया आपको। और ऐसे एक ऐसा भी एक पॉइंट फाइंड आउट होता है कि वहाँ पे एक तीनों तीन स्टेट अवेलेबल है, ख्याल आया। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, आपका टेम्परेचर है कि भाई आपका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री से आप इंक्रीज कर रहे हो कि भाई 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 डिग्री सेल्सियस पे आपका कौन सा स्टेट होना चाहिए, भाई लिक्विड होना चाहिए। बट आप क्या कर रहे हो कि भाई उसकी ऊपर की साइड एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर नहीं है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है, सॉरी मैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर नहीं है, बट आप उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। कोई भी एक डिवाइस लेके आप उसका प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, तो उसका फेज चेंज होने वाला नहीं है। आप 2 डिग्री सेल्सियस पे भी देख रहे हो, अभी देख इस चीज में पड़ा हुआ है कि भाई सॉलिड स्टेट में ही आपको नज़र आएगा, क्या रहा है। बट 2 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो आइस क्यूब है वो होना चाहिए एक लिक्विड स्टेट में, बट आपने प्रेशर चेंज कर दिया, उसकी अराउंड का जो प्रेशर था वो आपने चेंज कर दिया। अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, है तो आपका जो मिस्टर आपकी जो आइस का लिक्विड होना चाहिए, बट वो लिक्विड का वापस एक फेज चेंज होकर एक सॉलिड क्यूब्स में बन जाएगा, ठीक है, मिस्टर के सॉलिड पार्टिकल्स में बन जाएगा। वैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे वो स्टीम होनी चाहिए, बट आप उसका प्रेशर इंक्रीज कर देते हो तो वो स्टीम में से वापस वो कन्वर्ट हो जाके चले जाएंगे एक लिक्विड में, चलाया। और अगर आपने प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से आपने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर देते हो तो 90 डिग्री सेल्सियस पर भी आपका लिक्विड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, चलाया। आपको ये बातचीत ख्याल आती है कि भाई आप अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो उसका फेज सॉलिड है तो सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। मिस्टर 10 डिग्री में उसका लिक्विड में कन्वर्ट होता, पर आपका आइस का जो क्यूब होता है 1 एटमॉस्फेयर में तो वो 0 डिग्री पे मिस्टर लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए, 1 डिग्री पे तो वो पूरा लिक्विड ही होना चाहिए। बट अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे ही आपकी स्टीम एक लिक्विड में कन्वर्ट जाएगी। अगर प्रेशर को आपने डिक्रीज कर दिया तो 90 डिग्री पे भी आपकी जो लिक्विड होती है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो सभी सारे जो चीज़ वस्तु मैं बता रहा हूँ, वो सभी सारी चीज़ वस्तु आपने हीट के नाम के जो चैप्टर, हीट जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको स्टडी किया हुआ ही है, ठीक है। पर आप जो थर्मोडायनेमिक्स आप देखने वाले हो तो उसमें भी आप ये सभी सारी चीज़ वस्तु आपको आनी चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपका जो इक्वेशन ऑफ स्टेट की रिगार्डिंग में बातचीत कर रहा था, भाई इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट हम किसको बोलते हैं, भाई पीवी इज इक्वल टू म्यू आरटी का, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। व्हाट इज एन, एन इज अ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ओके। व्हाट इज आर, आर इज अ गैस कॉन्स्टेंट, एंड टी इज अ टेम्परेचर, पी इज अ प्रेशर, एंड वी इज अ वॉल्यूम, ठीक है, ओके। देन आपको सभी प्रोसेस देखनी है, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस आपकी है कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस। हम आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आपको कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है। आपका क्या कॉन्स्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहेगा। बट सभी सारे जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में आपने पैरामीटर देखे थे, कौन कौन से पैरामीटर, एक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, देन आप हीट कंटेंट्स एंड इंटरनल एनर्जी, इसमें से ओनली फॉर आपको एक कॉन्स्टेंट करना है, ओनली फॉर एक टेम्परेचर को। बट आपका प्रेशर भी चेंज हो सकता है, आपका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, आपकी हीट कंटेंट भी चेंज हो सकती है, और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो ओवरली प्रोसेस को हमने नाम भी दिया कि भाई दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस। देन आफ्टर एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको याद रखना है कि भाई हीट कंटेंट कॉन्स्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि भाई हीट आपकी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। इसमें आपका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, और प्रेशर भी चेंज हो सकता है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो सकती है, ठीक है, ओके। देन आफ्टर एक दूसरी प्रोसेस है आइसोबेरिक प्रोसेस।
ओके आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस का नाम भी आपने एक यूनिट्स में से बनाया हुआ है। आपका एक बार यूनिट होता है, वो किसका यूनिट होता है? प्रेशर का, इसलिए हम उसकी प्रोसेस को नाम बोलते हैं भाई आइसोबेरिक प्रोसेस। तो आपको मालूम ही हो गया होगा कि भाई आइसोबेरिक प्रोसेस में हम कॉन्स्टेंट रखेंगे प्रेशर को, क्योंकि प्रेशर का यूनिट है बार, क्या रहा है 1 bar, दिस इज अ प्रेशर यूनिट्स। ओके तो आपका जो नाम बना हुआ कि भाई आइसोबेरिक प्रोसेस, तो आइसोबेरिक प्रोसेस में आप कॉन्स्टेंट रखने वाले हो एक कॉन्स्टेंट प्रेशर को। तो भाई कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की भी कोई प्रोसेस होनी चाहिए ना, तो उसको हम बोलेंगे आइसोजोरिक प्रोसेस। आइसोजोरिक प्रेशर की, आइसोजोरिक प्रोसेस की इनसाइड आप वॉल्यूम को कॉन्स्टेंट रखोगे, लाइक प्रेशर कुकर। ठीक है, प्रेशर कुकर का वॉल्यूम चेंज नहीं होता, बट इनसाइड आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बट आपका कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम को हम बोलते हैं आइसोजोरिक प्रोसेस। देन आफ्टर साइक्लिक प्रोसेस, तो साइक्लिक प्रोसेस हम किसको बोलेंगे? कि भाई ऐसी कोई प्रोसेस कि आपने पहले वॉल्यूम को चेंज किया, प्रेशर को चेंज किया, टेम्परेचर को चेंज किया, वैसा आपने वन स्टेप किया, टू स्टेप, थ्री स्टेप, और वापस वही कंडीशन रिवर्स, वापस वही कंडीशन पे आप आ गए जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, वहीं वापस वो कंडीशन आ गई, उसको बोलेंगे भाई साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, पहले आपने प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम ऐसी चेंजेस करके गए, एक बार किया, दो बार किया, कि भाई तीन बार किया, देन आप वापस जहाँ से स्टार्ट किए थे, जहाँ से मीन्स के यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो वापस आप यहाँ पे आ गए, तो उसको हम बोलते हैं भाई साइक्लिक प्रोसेस। देन आप भाई लास्ट रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस मीन्स के रिवर्स में हो सकती है, जैसे कि आपने प्रोसेस आपने की वैसे आप रिवर्स में आ जाए और सभी सारे पैरामीटर ऐसे ही फाइंड आउट हो, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बट रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज़ अ डिफिकल्ट प्रोसेस। ठीक है, एंड इन रिवर्सिबल प्रोसेस वो वापस नहीं आए, सभी सारे पैरामीटर वापस नहीं आए, आपने जो प्रोसेस की थी वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं भाई इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपको एक पीवी करेक्टरिस्टिक का ग्राफ देखना है। ओके, तो अभी मैं आपको एक पीवी करेक्टरिस्टिक का मैं ग्राफ के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे नोट्स बनाई हुई है थर्मोडायनेमिक्स के रिलेटेड। पहले मैंने जो बातचीत की वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप पहले देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो कन्वर्टिंग द थर्मल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऐसा ही नहीं है कि आप मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करो, आप कोई भी एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, और उसका इनवर्स भी, कि मैं मैकेनिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी, उसके बारे में हमने देखा कि भाई ध्यान आप थर्मोडायनेमिकल सिस्टम, तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में किसको बोलते हैं, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और उसका पैरामीटर है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, हीट कंटेंशन, इंटरनल एनर्जी। देन आफ्टर सराउंडिंग किसको बोलते हैं, उसके बारे में भी हमने बातचीत की। देन आफ्टर वॉल इज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, वॉल कहाँ पे होती है कि भाई ये दोनों हमारी जो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है और सराउंडिंग है उसके बीच में होती है, तो दो टाइप की होती है, डायथर्मिक एंड एडियाबेटिक। तो डायथर्मिक हम किसको बोलते हैं, बाई अलाउ द हीट टू पासिंग थ्रू, इट इज नोन एज अ डायथर्मिक। और एडियाबेटिक हम किसको बोलते हैं, विल नॉट अलाउ द हीट टू पास इज थ्रू, इट इज नोन एज अ एडियाबेटिक प्रोसेस। देन आफ्टर इक्वेशन ऑफ स्टेट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उसके बारे में भी मैंने बातचीत की। ठीक है, और वही इक्वेशन आपका केमिस्ट्री में भी आता है। और थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस के बारे में, आइसोथर्मल प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, बट टेम्परेचर इज अ कॉन्स्टेंट, इट इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, हीट कंटेंट इज कॉन्स्टेंट। देन आफ्टर आइसोबेरिक प्रेशर, आइसोबेरिक प्रोसेस इज अ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, आइसोसोरिक प्रोसेस इज अ वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। देन आफ्टर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस मीन्स के आप जहाँ से स्टार्ट करते हो वहाँ से आप वापस आ जाते हो, मीन्स के आपका प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता है बीच में, और ऐसा आपका 1 step हुआ, 2 step, 3 step और वापस वहाँ पे आप आ गए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। आफ्टर सर्टेन द चेंजेस दे रिटर्न टू द ओरिजिनल वैल्यूज। एंड रिवर्सिबल एंड इन रिवर्सिबल प्रोसेस, जो आप वापस प्रोसेस कर रहे हो तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, एंड जो वापस हमारी प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो हम उसको बोलते हैं इन रिवर्सिबल प्रोसेस। देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई पीवी इंडिकेटर डायग्राम। ओके, पीवी इंडिकेटर डायग्राम, तो मैं यहाँ पे पीवी डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का। ठीक है, प्रेशर एंड वॉल्यूम का बीच का पीवी इंडिकेटर डायग्राम। ओके, तो आपका जो प्रेशर, आपका प्रेशर डिक्रीज होता है तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अगर आपका प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ऐसा मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है। तो आपने स्टार्ट किया भाई यहाँ से, तो आपने यहाँ पे नाम दे दिया कि भाई ए पॉइंट पे आपका कोई प्रेशर अवेलेबल था P1, देन आप ए पॉइंट पे आपका कोई वॉल्यूम भी अवेलेबल था, दिस वॉल्यूम इज V1।
और इस पॉइंट का भी अपना नाम दे दिया, क्या इस पॉइंट पे आपका कोई प्रेशर अवेलेबल होगा और इस पॉइंट पे आपका कोई एक वॉल्यूम अवेलेबल होगा, वो होगा P2 and V2। ठीक है, ओके। तो ए जो वाली प्रोसेस हुई, तो ए प्रोसेस मीन्स के आपका जो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज आप करोगे, ठीक है, कोई भी एक प्रोसेस का मीन्स का प्रेशर इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज करते हो तब आपका वॉल्यूम होता है डिक्रीज। आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई आपका प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे आप जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसा कि आपके पास कोई एक बलून अवेलेबल है, एयर फिलअप हुए है, ठीक है, एयर फिलअप करा हुआ एक बलून आपके पास अवेलेबल है, उसको आप दोनों हाथों से आप मीन्स के प्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, बट उसकी इनसाइड जो एयर है तो एयर का कंप्रेशन इंक्रीज, एयर का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, तो वो प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, कंप्रेशन प्रोसेस। ठीक है, आप एक कंप्रेस कर रहे हो, आप एयर का बलून को एक कंप्रेस कर रहे हो, तो कंप्रेस कर रहे हो तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे कंप्रेशन प्रोसेस। और सेकंड प्रोसेस होती है एक्सपेंशन प्रोसेस, तो एक्सपेंशन प्रोसेस हम किसको बोलेंगे कि भाई हमारा जो एयर का भरा हुआ एक बलून है, तो बलून में से हमने कोई एक जगह पे उसमें से कोई होल हमने क्रिएट कर दिया, तो इसमें से आपकी जो एयर है वो एयर एक एक्सपेंशन हो रही है, एक एटमोसफियर में वो एक एक्सपेंशन हो रही है, तो उसका वॉल्यूम क्या होने लगा भाई, इंक्रीज होने लगा, बट उसका प्रेशर क्या होने लगा, डिक्रीज, तो वो वाली प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, अगर आपने स्टार्ट यहाँ से किया ना P1 V1 और P2 V2 से, तो मैंने यहाँ पे एरो ऐसे इंडिकेट किया, तो मैंने वहाँ पे एरो ऐसे इंडिकेट किया, तो आपका जो प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज होने लगा और वॉल्यूम इंक्रीज होने लगा, तो आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज होता है, वही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन प्रोसेस। तो ए प्रोसेस होती है आपकी एक्सपेंशन प्रोसेस, ठीक है, और उसका इनवर्स, उसका इनवर्स कैसे कि भाई यहाँ से आप वापस जाओगे, जैसे ठीक है, तो आपका यहाँ से देखिए वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर आपका इंक्रीज हो रहा है, आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वो प्रोसेस को हम बोलेंगे कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये हो गई आपकी कंप्रेशन प्रोसेस, ठीक है, ओके। देन आपको देखना है कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में और एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं भाई आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे आपको मालूम पड़ा कि भाई कंप्रेशन किसको बोलते हैं और एक्सपेंशन किसको बोलते हैं। एक्सपेंशन हम किसको बोलेंगे, जिसका वॉल्यूम इंक्रीज हो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंशन, और जिसका वॉल्यूम डिक्रीज हो उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन। देन आपको स्टडी करना के भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, आइसोथर्मल प्रोसेस का जो आइसोथर्मल चेंजेस भी लग सकते हैं हम, आइसोथर्मल चेंजेस। तो पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस किसको बोलेंगे, हमने आगे देखा ना सभी प्रोसेस में, इसमें भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस अवेलेबल थी, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हम बोलेंगे भाई जिसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, तो फर्स्ट इज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, तो टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, सो द डेल्टा टी मीन्स के चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। ठीक है, आपका टेम्परेचर आपको क्या रखना है भाई, कॉन्स्टेंट रखना है, आपको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, ओके। तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखने के लिए आपके पास दो एक दीवाल है, ठीक है, आपने पहले तो आइसोथर्मल प्रोसेस लिखा, तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपको ख्याल आया कि भाई उसका टेम्परेचर होना चाहिए कॉन्स्टेंट, देन आफ्टर ये टेम्परेचर आपका रहेगा कॉन्स्टेंट। पर यहाँ पे दो सिस्टम में होती है ना, एक थर्मोडायनेमिकली सिस्टम्स एंड देन सेकेंड इज अ सराउंडिंग, ओके। तो इन दोनों के बीच में एक होल होती है, वो होल टू टाइप्स की थी कि भाई एडियाबेटिक वॉल एंड डायथर्मिक वॉल, तो आप यहाँ पे कौन सी वॉल यूज़ करोगे, डायथर्मिक यूज़ करोगे भाई, एडियाबेटिक आप यूज़ करोगे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या रखना है कि भाई उसका टेम्परेचर आपको कॉन्स्टेंट रखना है, अगर आपको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, अगर आपको टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है तो आप वॉल यूज़ करोगे एक डायथर्मिक। क्यों डायथर्मिक आप यूज़ करोगे, क्योंकि डायथर्मिक आप यूज़ करने से अगर आपके पास सिस्टम एक अवेलेबल है, आपके पास ऐसा कोई एक सिस्टम अवेलेबल है, ठीक है, ऐसा कोई आपके पास एक सिस्टम अवेलेबल है, वो सिस्टम की इनसाइड आप टेम्परेचर उसको आप गर्म कर रहे हो, यहाँ से आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हो, तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, ओके। उसका टेम्परेचर राइज होता है तो वो टेम्परेचर तो आपको तो कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है, तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखना है, तो उसका टेम्परेचर राइज हुआ तो उसकी हीट उसकी जो स्पेसिफिक हीट थी वो इंक्रीज होने लगी। स्पेसिफिक हीट का मैंने इक्वेशन बोला था ना कि भाई Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी,
तो डेल्टा टी यहाँ इंक्रीज हुआ तो उसकी हीट भी इंक्रीज होने लगी। अगर उसकी एनर्जी इंक्रीज होने लगी तो अगर आपके यहाँ दीवार एडियाबेटिक होगी, एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक वॉल क्या करती है, वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती, ठीक है। अगर आप हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती तो आपका जो डेल्टा टी मीन्स का इंक्रीज हुआ है तो आपका टेम्परेचर तो चेंज हो गया, तो वो प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक कोई भी एक प्रोसेस के प्रोसेस यहाँ पे हुई और उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगा, तो टेम्परेचर को वापस आपको कॉन्स्टेंट लाना है। इसलिए यहाँ का दीवार आपकी जो होल होती है वो होल बनी हुई होती है डायथर्मिक की। अगर डायथर्मिक की होगी तो यहाँ पे हीट ज़्यादा हो गए तो यहाँ से वो ट्रैवल होकर सराउंडिंग में जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही आप दूसरी तरीके से भी आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एक वेसल है तो वेसल में आपने रख दिया भाई एक आइस का ट्यूब, एक आइस ट्यूब रख दिया, तो आइस ट्यूब का टेम्परेचर होता है लोअर, बट आपका टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो हीट यहाँ से ट्रांसफर होगी सराउंडिंग में से यहाँ पे वेसल में आएगी। पहले वेसल में से सराउंडिंग में जाती थी, आपकी हीट कैसे ट्रैवल होती है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, पहले हमारा वेसल का टेम्परेचर हाई था तो इसलिए हमारी हीट ट्रैवल कर रही है एक हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, और सेकेंड हमारा इनसाइड का टेम्परेचर लोअर है और सराउंडिंग का टेम्परेचर हायर है, इसलिए हमारी हीट ट्रैवल हो रही है एक सराउंडिंग टू सिस्टम्स, ठीक है, आपको मालूम पड़ा। और ऐसे वो ट्रैवलिंग करने के लिए हीट आपकी ट्रैवलिंग हो सके, इसलिए आपकी जो दीवारें बनी हुई है, आपकी जो वॉल बनी हुई है, वो आपको यूज़ करनी है एक डायथर्मिक वॉल्स, ठीक है। डायथर्मिक वॉल को हम दूसरे कंडक्टिंग वॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक मीन्स का हीट का फ्लो हो रहा है, यहाँ पर हीट का फ्लो हो रहा है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कंडक्टिंग वॉल। सेकेंड आपको लिखना है कि भाई डायथर्मिक वॉल, आप कौन सी वॉल यूज़ करोगे, डायथर्मिक वॉल, ठीक है, ओके। देन आफ्टर प्रोसेस, भाई प्रोसेस कैसी है, भाई स्लो प्रोसेस है या सडन प्रोसेस है, ठीक है, ओके। तो आपके पास मीन्स के कोई एक वेसल अवेलेबल है, यहाँ पे आप ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल है, वो सिस्टम पे आप यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे हो, एक सिस्टम पे आप फोर्स लगाओगे, जैसा कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई आपके पास कोई ऐसा सिलेंडर अवेलेबल है, ठीक है, और यहाँ पे एक पिस्टन अवेलेबल है, ओके। आप यहाँ पे मैकेनिकली वर्क करके ये पिस्टन्स को इनसाइड आप ट्रैवलिंग करोगे, पिस्टन्स को इनसाइड आप ट्रैवलिंग करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर भाई इंक्रीज होता है, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो आपको ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कह पाएगी, क्योंकि आपका टेम्परेचर तो चेंज हुआ, बट आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो प्रोसेस आप मीन्स के आपने पहले वन सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, वन सेकंड में आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो इतनी मीन्स के उसकी कोई हीट चेंज हुई, मीन्स के उसकी कोई टेम्परेचर उसका राइज हुआ, तो यहाँ पर आप वन सेकंड के बाद वापस उतना डिस्टेंस आप ट्रैवलिंग करते हो, और दूसरी प्रोसेस देखे पाए वन सेकेंड में आपने पिस्टन्स ने दो तीन चार बार ऐसे ऐसे घुमा दिया, वन सेकेंड में पहले आपने इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया, इतना ही डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, तो उसमें से कोई हीट प्रोड्यूस होगी, उसका कोई एक टेम्परेचर राइज होगा, बट आपकी प्रोसेस स्लो है, आपकी प्रोसेस स्लो है, इसलिए वो उसका जो टेम्परेचर राइज हुआ तो वो टेम्परेचर एक रेडियंट के फॉर्म में एटमोसफियर में चली जाएंगी। बट अगर आपकी जो पिस्टन की जो स्पीड वन सेकेंड में वो 10 बार ऑक्सीलेशन करती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा होगी तो ये हमारी जो इनसाइड वाला जो टेम्परेचर है वो रेडियंट में मिस के वो एटमोसफियर में जा ही नहीं पाएगा, तो उसकी इनसाइड तो हीट कंटेंट इंक्रीज हो गया, तो वो प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कह पाएंगे, ठीक है। इसलिए आपकी जो स्पीड होगी वो स्पीड कौन सी होगी, पर स्लो प्रोसेस होगी, आपकी जो आइसोथर्मल प्रोसेस है एक स्लो प्रोसेस होगी। अगर स्लो प्रोसेस नहीं होगी तो हम उसको आइसोथर्मल प्रोसेस ही नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उसकी इनसाइड तो हीट तो इंक्रीज हो रही है, चलाए इनसाइड हीट आपकी इंक्रीज ना हो, इसलिए आपकी जो पिस्टन्स की जो स्पीड होती है वो आप स्लो करोगे, चलाए वन सेकेंड में ओनली पर इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। अगर आपने वन सेकेंड में 3-4 बार ऐसे ऐसे ट्रैवल कर दिया तो उसका जो टेम्परेचर होता है कंटेंट की इनसाइड, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कह पाते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ की जो स्पीड होती है वो स्पीड होती है एक स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस, ठीक है। देना पर उसका एग्जांपल देना है आपको, आपको उसका एग्जांपल देना, ओके। तो एग्जांपल में आती है कि भाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, मेल्टिंग हम किसको बोलते हैं, भाई सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होना, और बॉइलिंग हम किसको बोलते हैं, लिक्विड में से स्टीम में कन्वर्ट होना, ठीक है, ओके। तो वो जो प्रोसेस होती है ना, तो उसका टेम्परेचर
आप जब आप देख रहे हो कि भाई सॉलिड का मीन्स के एक आइस का एक वाटर में कन्वर्ट, आइस का एक वाटर में कन्वर्ट होता है, तो आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री है और वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री है। तब भी आप एनर्जी दे रहे हो तब भी उसका जो टेम्परेचर राइज नहीं होगा, तब तक राइज नहीं होगा जब तक आपका आइस कम्प्लीटली एक लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तब तक जो आप एनर्जी दे रहे हो वो सभी एनर्जी उसमें एक लेटेंट हीट में, एक लेटेंट हीट हम किसको बोलते हैं कि भाई उसके अंदर एक छुपाई जो हीट होती है हम उसको बोलते हैं भाई लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट आप एक थर्मोडाइनेमिक से मीन्स के उसका टेम्परेचर राइज नहीं होता है, उसका टेम्परेचर तो इतना ही रहता है, बट तो भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो, बट वो जो हीट आप किस में यूज़ कर रहे हो, एक फेज चेंज करने में, एक स्टेट चेंज करने में। ठीक है, एक स्टेट चेंज करने में आपने जो हीट का यूज़ किया वो हीट को हम बोलते हैं भाई एक लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट से उसका कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है। आपका यहाँ पे एक प्रोसेस चल रही है कि भाई एक आइस का एक क्यूब अवेलेबल है और आइस एक कन्वर्ट हो रहा है एक वाटर का पार्टिकल्स में। ठीक है, तो आपका एक आइस एक 1 किलोग्राम का है और आपने स्टार्टिंग में आपने हीट सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया, तो आप देख रहे हो कि भाई 5 सेकेंड में 1 किलोग्राम में से 100 ग्राम का एक वाटर में कन्वर्ट हो गया है। तो 100 ग्राम का एक वाटर में कन्वर्ट हो गया है, जैन आप अभी भी आप हीट सप्लाई कर रहे हो तो वो जो 100 ग्राम का वाटर था उसका टेम्परेचर राइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी वो किसके साथ में कॉन्टेक्ट में है, आइस के साथ में कॉन्टेक्ट में, और आइस का भी टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री, तो उसका भी टेम्परेचर 0 डिग्री रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक आपका 1 किलोग्राम का आइस क्यूब एक वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाता तब तक। ठीक है, आपका 1 ग्राम का भी आइस क्यूब अवेलेबल है, 1 ग्राम का भी 1000 में से 1 ग्राम का भी आपका आइस क्यूब अवेलेबल है, तब तक उसका सभी का टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता, पर आपको हीट तो सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो वो हीट कम बोलेंगे एक लेटेंट हीट। ठीक है, तो वो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वैसे ही यहाँ पे स्टीम में होता है कि भाई आपका एक लिक्विड एक स्टीम में कन्वर्ट हो रही, तो स्टीम का भी टेम्परेचर 100 डिग्री होता है और वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री होता है। ठीक है, तब तक रहेगा जब तक आपका पूरे पूरा वाटर आपकी जो वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी आपके स्टीम में कन्वर्ट ना हो पाए, तब तक आप जो जितनी भी आप हीट सप्लाई दे रहे हो वो हीट आपके लेटेंट हीट करवाएंगी। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर वहाँ पे कॉन्स्टेंट रहता है। तो यहाँ इसके मेल्टिंग पॉइंट पे और बॉइलिंग पॉइंट उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हुआ, इसलिए हम उसको बोलते हैं दिस इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। देन आप इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आता है पीबी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ध्यान आप हम बातचीत करेंगे भाई स्पेसिफिक गिट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो स्पेसिफिक गिट हम किसको बोलते हैं भाई, स्पेसिफिक गिट का इक्वेशन है dT/dt। तो यहाँ पे dT मीन्स के प्रेशर dT इज इक्वल टू है 0, तो यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे। तो dT/0 अगर डिवाइड में 0 आती है तो उसकी स्पेसिफिक हीट यहाँ पे s इज इक्वल टू हम लिखेंगे s इज इक्वल टू dT/dt, तो s इज इक्वल टू हो जाती है इन्फिनाइट। ठीक है, आपकी स्पेसिफिक हीट इन्फिनाइट होती है। क्यों स्पेसिफिक हीट इन्फिनाइट होती है? आपने स्पेसिफिक हीट में देखा था कि भाई आपको जो कंटेंट है 1 किलोग्राम आपने कंटेंट ले लिया है, तो 1 किलोग्राम का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री राइज करना है, पर यहाँ पे क्या टेम्परेचर राइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, हो पाएगा क्योंकि आपने एक डायथर्मिक वॉल को कंसिडर किया हुआ है और डायथर्मिक वॉल एक हीट को ट्रांसफर कर देती है, तो उसका टेम्परेचर वापस कॉन्स्टेंट ही आ जाता है। आप जितनी भी हीट सप्लाई कर लो तो भी उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, 1 डिग्री भी राइज नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए उसकी स्पेसिफिक हीट इन्फिनाइट होगी। आप इन्फिनाइट तक भी आप हीट सप्लाई करते रहोगे तब भी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि वह आपने एक डायथर्मिक वॉल यूज की है, तो उसकी स्पेसिफिक हीट आ गई इन्फिनाइट। देन आप उसका पीवी डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, तो उसका पीवी डायग्राम ऐसा ही आएगा। ओके, मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम ड्रॉ किए, एक 3 डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, तीनों तीन का टेम्परेचर डिफरेंट है, T1, T2 एंड T3। तो किसका टेम्परेचर राइज होगा? तो टेम्परेचर राइज होने से उसकी प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू भी राइज होती है। तो ऐसा कौन सा ग्राफ है भाई? थर्ड वाला ग्राफ में आप देखिए कि यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज है और वॉल्यूम भी इंक्रीज है। 2 वाला में थोड़ा प्रेशर कम है और वॉल्यूम भी थोड़ा कम है, 1st वाले में भी थोड़ा वॉल्यूम कम है और थोड़ा प्रेशर भी कम है। ठीक है,
तो हमारा जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला ग्राफ है, तो उसमें से टेम्परेचर आपका राइज हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है 3 का, और सबसे मीन्स के उससे भी कम है T2 का, और उससे भी कम है T1 का। देन आफ्टर आपको देखना है कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस पे भी आपको सभी सारे फिनोमेना को आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते हैं कि भाई उसकी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, उसमें से हीट ट्रांसफर नहीं होती है, हीट कांस्टेंट होती है, उसको हम बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन कांस्टेंट होता है, हीट कांस्टेंट होता है, इट इज कांस्टेंट, सो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 0 आएगा। ओके, देन आप हम सेकेंड बातचीत कर रहे थे भाई होल के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे होल आप कौन से कंसिडर करने वाले हो, डायथर्मिक के एडियाबेटिक, एडियाबेटिक आप होल यूज़ करोगे, क्यों एडियाबेटिक आप होल यूज़ करोगे, क्योंकि एडियाबेटिक होल यूज़ करने से इनसाइड का जो हीट होती है वो कांस्टेंट रह पाएगी, अगर डायथर्मिक को आपने यूज़ कर लिया तो हीट तो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेकंड में एक एडियाबेटिक होल कंसिडर करोगे। ठीक है, देन आपकी जो प्रोसेस की स्पीड होती है वो स्पीड कैसी होती है, कि भाई स्लो स्पीड होती है या एक हाई स्पीड होती है। तो आपने पिस्टन वाला केस में आपने देखा था ना कि यहाँ पे जो मिस के स्लो पीस नहीं होगी, यहाँ पे स्पीड उसकी हाई होगी, अगर स्पीड उसकी हाई हो गई तो उसका टेम्परेचर भी कितना हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर टेम्परेचर राइस हो गया तो वो एक एडियाबेटिक वॉल बनी हुई है, तो उसका हीट ट्रांसफर वहाँ पे नहीं होगा, चला है, हीट इसमें से स्टोरेज ही रहेगी। उसका कोई एग्जाम्पल कि भाई आपका जो टायर का ब्रूस्टिंग, टायर का आपका कोई पंचर पड़ता है, तो इसमें से आपकी एक एयर सडनली मिस का एक्सपेंशन हो जाती है, तो उसका प्रेशर कंटिन्यूसली सडनली उसका डिक्रीज हो जाता है। वैसा ही आप एयर का जो पंप होता है, तो एयर पंप में आप जोर से आप प्रेशर लगाओगे तो वो एक हीटअप करने लगेगा। आप साइकिल का एक पंप होता है, उसका आप जोर से एक प्रेशर लगाओगे तो वो एक हीटअप करने लगेगा। वो हीटअप क्यों करने लगेगा, क्योंकि उसकी जो होल होती है वो एक एडियाबेटिक होल बनी हुई है, और उसमें से ही आपकी हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, और उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड आपकी एक हाई स्पीड है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है वो एक प्रोसेस सडन प्रोसेस होती है, एक स्लो प्रोसेस नहीं होती है। ठीक है, तो उसका कोई एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में आप ब्रूस्टिंग ऑफ टायर लिख सकते हो, कंप्रेशन इन साउंड वेव भी लिख सकते हो, ब्रूस्टिंग टायर। Then after compression sound wave. Okay, तो साउंड वेव हम किसका बोलते हैं कि भाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप लिसन कर रहे हो, दिस इज नोन एज साउंड वेव। ठीक है, तो आपका जो एटमोसफियर है, तो एटमोसफियर का जो सभी सारे जो मोलिक्यूल्स होते हैं, वो सभी सारे मोलिक्यूल्स एक स्टेबल पोजिशन पे है। अगर आपने बोला हो तो वो जो उसकी कंडीशन थी एक स्टेबल कंडीशन पे, और स्टेबल कंडीशन में आपने डिस्टर्ब कर दिया, और डिस्टर्ब करके वो एक लॉन्गिट्यूडियल वेव में ट्रैवलिंग करते हैं, एक लॉन्गिट्यूडियल वेव आपको एक प्रेशर और रिकम्प्रेशन करके क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा आपके पास कोई एक एयर मोलिक्यूल्स था, तो ये सभी सारे एयर मोलिक्यूल्स पहले एक स्टेबल कंडीशन पे थे। ठीक है, आपने मिस के यहाँ पे बोला तो ये ऐसे चलने लगे ऐसे। ठीक है, ऐसे मिस के उसका ऑक्सीडेशन होने लगा, तो एबीए के ऐसे वाइब्रेशन होने लगे, एबीए के ऐसे वाइब्रेशन होने लगे, ऐसे वाइब्रेशन होने लगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपकी जो आपकी जो ह्यूमंस की जो मिस के जो साउंड वेव होती है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो एक 400 हर्ट्ज होती है। उसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई 1 सेकेंड में और हमारा पार्टिकल्स यहाँ से ऐसे ऐसे 400 टाइम्स करेगा 1 सेकेंड में। तो जैसे ही ये दोनों पार्टिकल्स यहाँ से एक दोनों के साथ में आते हैं, तो वहाँ पे एक कंप्रेशन प्रोड्यूस होता है, वो कंप्रेशन प्रोड्यूस होकर वहाँ पे एक हीटअप करने लगता है, मीन्स के वो हीट हो जाता है, बट वो सडनली एक्सपेंशन हो जाता है, तो हीट को ये ट्रैवलिंग ही नहीं कर पाते। हमारी जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुई आपका दो मीन्स के यहाँ पे दो आपका एयर मोलिक्यूल्स, ये दोनों एयर मोलिक्यूल्स यहाँ पे कंप्रेशन रिकम्प्रेशन कर रहे हैं, पर उसकी प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, 400 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो उसका क्या मीनिंग हुआ कि भाई 1 सेकेंड में 400 टाइम्स उसने साइकिल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो 400 टाइम्स कंप्रेशन एंड रिकम्प्रेशन हुआ है, तो उतना टाइम कितना लगेगा, बहुत कम लगेगा 1 सेकेंड में से, तो 1 सेकेंड का आपको 400 टाइम्स डिवाइड करना है। ठीक है, तो बहुत कम आपकी सेकंड बचेगी, बहुत कम आपका टाइम बचेगा, तो वो हीट यहाँ पे जो जनरेट हुई है वो एटमोसफियर में नहीं जा पाएगी, और वैसे ही जैसे ही कंप्रेशन होता है वैसे ही रिकम्प्रेशन होता है, तो उसकी रिकम्प्रेशन में उसकी हीट का आप यूज़ कर लेते हो। ठीक है, तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे
एडियाबेटिक प्रोसेस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस साउंड वेव होती है, ठीक है। ओके, तो उसका इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्टेट, तो जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है तो पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो होता है, पर यहाँ पे आपको गामा लगाना है, पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, ठीक है। तो ये गामा क्या होती है कि भाई गामा इज इक्वल टू इज रेशियो ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रेशर, सीपी को हम क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सीपी अपॉन सीवी। तो ये जो रिलेशनशिप आपने बताया हुआ है, तो वो जो रिलेशनशिप है एक प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। अगर आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप निकालना चाहते हो तो भी आप निकाल सकते हो ए वाला इक्वेशन यूज करके। देखिए पी वी रेस टू गामा इज इक्वल टू के है ना, आपको निकालना है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिगार्डिंग, प्रेशर और वॉल्यूम के रिगार्डिंग आपको निकालना है, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन है कि भाई पी वी इज इक्वल टू टी, पी वी इज इक्वल टू टी, तो इसमें से आप प्रेशर को कॉमन ले लीजिए, तो प्रेशर पी इज इक्वल टू हो जाएगा टी अपन वी, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो टी अपन वी इंटू वी रेस टू गामा इज इक्वल टू के। तो ये वी का ऑर्डर होता है वन, अगर मैं वी को ऊपर में ले जाना चाहता हूँ तो उसका ऑर्डर हो जाएगा माइनस, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टी इंटू वी रेस टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू के। तो ये जो वाली प्रोसेस है, तो ये भी एक एडियाबेटिक ही प्रोसेस है, बट उसका फेज मैंने यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के रिगार्डिंग फाइंड आउट किया था इक्वेशन, और यहाँ पे फाइंड आउट किया है एक टेम्परेचर एक वॉल्यूम के रिगार्डिंग, और दूसरा आप फाइंड आउट कर सकते हो कि प्रेशर एंड टेम्परेचर के रिगार्डिंग, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे वापस में ऐसे लिख देता हूँ पी रेस टू गामा इज इक्वल टू के, टेम्परेचर एंड प्रेशर के रिगार्डिंग आपको फाइंड आउट करना है ना। ओके, तो वी रेस टू गामा मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ वी रेस टू गामा पी रेस टू गामा इज इक्वल टू टू रेस टू गामा, तो वी रेस टू गामा इज इक्वल टू क्या होता है टी रेस टू गामा अपॉन पी रेस टू गामा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि भाई पी इंटू टी रेस टू गामा अपॉन पी रेस टू गामा इंटू के इज इक्वल टू के, तो पी रेस टू गामा यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो उसका ऑर्डर हो जाएगा पी रेस टू वन माइनस गामा इंटू टी रेस टू गामा इज इक्वल टू के। तो ऐसे आपका तीन इक्वेशन फाइंड आउट हुआ, ठीक है। और ये टेम्परेचर और वॉल्यूम का है, और ये प्रेशर और टेम्परेचर का है। तेना पर आपको एक दूसरी क्वांटिटी निकालनी है कि भाई स्पेसिफिक हीट के बारे में, तो स्पेसिफिक हीट का क्या इक्वेशन होता है क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, इसमें से आपको एस को सब्जेक्टिव बनाना है ना, तो क्यू अपॉन एम एम डेल्टा टी आ जाएगा, और एस इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डी क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, पर यहाँ पे डी क्यू तो क्या है जीरो, क्योंकि चेंज ऑफ हीट जीरो है, यहाँ पे हीट चेंज नहीं हो रही है, तो आपकी स्पेसिफिक हीट क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी, ठीक है, आपकी स्पेसिफिक हीट आ जाएगी जीरो। तो ऐसे आपने दोनों क्वांटिटी देखी भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस चलाया। ओके, तो हमने जो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ, ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होती है, कॉन्स्टेंट एक टेम्परेचर पे होती है, और रेडियाबेटिक प्रोसेस होती है एक कॉन्स्टेंट एक हीट पे होती है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपने दोनों का इक्वेशन भी निकाला। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई हमारी जो हमको एक पीवी हमारा जो इंडिकेटर ग्राफ है, इसमें आपको इंडिकेट करना है कि भाई कौन सी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है और कौन सी प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है।